हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पिछला जो हमारा वीडियो था या लेक्चर था, उसमें हमने आपसे बात की थी किसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में। हम पढ़ रहे हैं अमीनो एसिड्स की बायोकेमिस्ट्री। अब क्या है, अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो किस कारण से होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं अमीनो एसिड्स की, वो होती हैं उनमें जो पाए जाने वाले दो फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी वजह से। अच्छा, दो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और वो उन दो फंक्शनल ग्रुप के साथ में कौन कौन सी रिएक्शन होती है, कैसे कैसे होती है, इनके बारे में चलिए हम बात करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एक और एक है अमीनो ग्रुप। अगर हम रिएक्शंस बात करें कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में, ठीक है, तो ये अमीनो एसिड्स जो हैं, अगर ये रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ में, तो बेसिस के साथ में रिएक्ट करने पर ये बनाते हैं साल्ट, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगर ये एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं एस्टर। डीकार्बोक्सिलेशन की बात करते हैं, यानी कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका, ये टूटेगा और ये कुछ बनाएगा। चलिए, तो डीकार्बोक्सिलेशन में एमिनो एसिड्स जो हैं अंडर डीकार्बोक्सिलेशन जाते हैं, तो वो इस प्रकार से जाते हैं एमाइन के साथ में, करेस्पॉन्डिंग एमाइन के साथ में। तो ये हमारा एमिनो एसिड था, ये इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तो ये जो CO2 है इसमें से निकल जाएगी और ये जो है SH के स्थान पर क्या है, दूसरा H आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा RCH2NH3+, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, ठीक है। दिस रिएक्शन एज्यूम सिग्निफिकेंस इन द लिविंग सेल्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मैनी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट अमाइंस। तो इससे, इस रिएक्शन से बायोलॉजिकल एमाइन जो है वो बनती है, ये एक प्रकार की एमाइन फॉर्मेशन का प्रोसेस भी है। दीज इंक्लूड हिस्टामिन्स, टायरामिन और अल्फा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। तो इनका फॉर्मेशन जो है, अमीनो एसिड्स जो है कौन कौन से बनता है, हिस्टामिन बनता है हिस्टिडीन से, और टायरामिन बनता है टायरोसिन से, और ग्लूटामेट जो होता है वो बनाता है अल्फा गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड गाबा। आगे बात करते हैं, अगर हम ये रिएक्शन करते हैं एमोनिया के साथ में तो क्या बनाते हैं, तो ये एमोनिया के साथ में जब रिएक्शन करते हैं तो ये अमाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अमाइड बनाते हैं, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड है वो अमोनिया के साथ में रिएक्शन करके एस्पाराजीन बनाया है, और ग्लूटामिक एसिड है उसने रिएक्शन करके अमोनिया के साथ में ग्लूटामाइन बनाया है। तो इस प्रकार से ये जो है इनका जो रिएक्शन होता है, होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण। अगर हम बात करते हैं अमाइन जो ग्रुप है उसकी वजह से, तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिस जो है, द अमीनो ग्रुप जो होते हैं ये बेसिस के रूप में बिहेव करते हैं, और कंबाइन विद एसिड के साथ मिलकर के, जैसे HCl है, तो ये क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। रिएक्शन करते हैं अगर ननहाइड्रिन के साथ करते हैं रिएक्शन, तो ये क्या बनाते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स रिएक्ट विद ननहाइड्रिन टू फॉर्म ए पर्पल ब्लू और पिंक कलर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रोहमांस पर्पल, जो है रोहमांस पर्पल बनाते हैं। अमीनो एसिड है, ननहाइड्रिन के साथ में रिएक्शन करा, कीटो एसिड बना NH3+CO2+हाइड्रिन-टेंटिन, और जो हाइड्रिन-टेंटिन होता है फिर वो अगर अमीनो एसिड के साथ में रिएक्शन करता है और ननहाइड्रिन के साथ में, तो वो रोहमांस पर्पल बनाता है। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती है, तो रोहमांस पर्पल जो है इसको आप ध्यान रखें। ये क्या है, ये जो जो अमीनो एसिड्स का जो अमाइन ग्रुप है वो ननहाइड्रिन के साथ में रिएक्शन करके बनाता है। ननहाइड्रिन जो है, रिएक्शन इज इफेक्टिवली यूज फॉर द क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो ये जो मेथड है, ये अमीनो एसिड्स के क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन के लिए काम में, प्रोटीन्स के लिए लिया जाता है। नोट, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन गेव येलो कलर विद ननहाइड्रिन। तो ये जो दो है, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी क्लोरीन है, प्रोलीन है, ये येलो कलर का सब्सटेंस बनाते हैं ननहाइड्रिन के साथ में रिएक्शन करके। अगर हम कलर रिएक्शंस करते हैं अमीनो एसिड्स के साथ में, तो अमीनो एसिड्स कैन बी आइडेंटिफाई बाय स्पेसिफिक कलर रिएक्शंस, जो 4.3 जो टेबल है उसमें है। ट्रांस एमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ एन अमीनो एसिड ग्रुप फ्रॉम एन अमीनो एसिड टू ए
कीटो एसिड टू फॉर्म ए न्यू अमीनो एसिड, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमीनो एसिड्स मेटाबोलिज्म। तो ये हमने आपसे बात की थी एसेंशियल्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में। तो हमने बात की थी आपसे कि अमीनो ग्रुप जो हैं वो आपस में चेंज होकर के दूसरा अमीनो ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड बनाते हैं। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, तो अमीनो एसिड जो होते हैं उनका ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होता है जिससे वो अमोनिया को जो है वो फ्री कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपसे बात की थी कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में, अमीनो एसिड्स के रिएक्शंस के बारे में हमने बात की है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन किस प्रकार से होती है और अमीनो ग्रुप जो हैं उनकी रिएक्शंस किस प्रकार से होती है। तो चलिए दोस्तों, आपने अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल पर बने रहिए ऐसी वीडियोस के साथ में। अगला जो हमारा है जो वीडियो रहने वाला है वो है नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के बारे में। फिर हम बात करेंगे अमीनो एसिड्स जो हैं वो ड्रग्स के रूप में किस प्रकार से काम में ले जाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, इसको आप ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और पूछे जाते हैं। फिर हम इस सारणी की बात करेंगे जिसमें ए सेलेक्टेड लिस्ट फॉर इंपॉर्टेंट नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स अलोंग विद देयर फंक्शन। कुछ होते हैं वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।